टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज दी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। दैट इंडिविजुअल कुड बी कंज्यूमर और इट कुड बी प्रोड्यूसर। सो बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यस, हु इज अ कंज्यूमर? व्हाट डज ही गेट व्हेन ही कंज्यूम्स अ कमोडिटी? यूटिलिटी। हाउ ही मैक्सिमाइजेस हिज यूटिलिटी व्हेन ही कंज्यूम्स अ सिंगल कमोडिटी और मोर देन अ वन कमोडिटी? ठीक है, व्हाट इज डिमांड? What is elasticity of demand? All this related to consumer behavior we have studied. Coming to unit 3 of microeconomics, producer behavior and supply. Here we will be studying about the behavior of a producer. ठीक है, producer क्या होता है? Producer क्या करता है? Producer engages in production. राइट उसकी मेन एम क्या होती है? उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जिस तरह से बेटे कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर स्कैसिटी एंड चॉइस अप्लाई होती है, ठीक है, एज अ कंज्यूमर योर इनकम इज लिमिटेड एंड योर वांट्स आर अनलिमिटेड, सो यू हैव टू मेक अ चॉइस हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट your limited income amongst unlimited wants so as to maximize your satisfaction. Similarly, as a producer, your resources are limited. You have limited resources and you want to make production of say X, Y, Z goods, but with limited resources, आप एक्स की भी वाई की भी जेड की भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, सबकी प्रोडक्शन अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं कर सकते। सो अगेन यू हैव टू मेक अ चॉइस हाउ टू एलोकेट योर लिमिटेड रिसोर्सेस। आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, लेकिन वो सब अनलिमिटेड लिमिटेड क्वांटिटीज में है ना। आपको ये देखना पड़ेगा आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को किस तरह से एलोकेट करो टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ एक्स वाई इन सच अ वे योर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर की जगह लेके देखो। कल को आप प्रोडक्शन करते हो, आपके पास 10 लेबर हैं, आपके पास 1 एकड़ का लैंड है, आप फार्मर हो, आप कि आगे चॉइस है कि आप इनसे वीट भी प्रोड्यूस कर सकते हो, राइस भी प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन लैंड तो 10 एकड़ का, आपको चॉइस करनी पड़ेगी। आपकी लेबर और आपका लैंड या तो वीट की प्रोडक्शन में जाएगा या राइस की प्रोडक्शन में जाएगा, या आधा वीट और आधा राइस। तो आप किस तरह से एलोकेट करोगे, कैसे ये चॉइस करोगे कि मैं कितने लैंड के ऊपर वीट ग्रो करूं, कितने के ऊपर राइस ग्रो करूं, ताकि आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज। सो दीज आंसर्स वी विल गेट फ्रॉम दिस यूनिट। ठीक है, कि किस तरह से ये आपको इकोनॉमिक्स का ये यूनिट ये बताता है कि एज अ प्रोड्यूसर आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को किस तरह से एलोकेट करो टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज सो दैट यू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ठीक है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस यूनिट? The first chapter we are going to study is about production function. ठीक है, क्योंकि हम producer की study कर रहे हैं तो हमें production के concepts के बारे में पता होना चाहिए। हमारे chapter का नाम है production function। उससे पहले हम production का meaning समझते हैं। What is production? What is production? Yes, it's an activity related to the conversion of raw material into finished good, resource into a useful commodity. So
It's the conversion of input into output. Yes, output is something which is useful to you, which has the capacity to satisfy human wants. This is how we define production, a process of conversion of input into output. Theek hai? So what is production function? Production function is the expression, how we express the relationship between input and output. Theek hai? So production function is basically defined as a relationship. अब रिलेशनशिप जो है वो बहुत तरह की हो सकती है, टेक्निकल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल रिलेशनशिप. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक रिलेशन? पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद बताती हूँ. प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफाइंड एज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन input and output. Simple, very easy definition. अभी याद हो जाएगी आपको production function क्या है. function का मतलब ही relationship होता है. If you remember demand function कैसे define करते थे, relationship between demand and its various determinants. So wherever the word function is there, it means expression of relationship. ठीक है, तो यहां पर relationship किसकी बेटे, जिसके साथ word function लगा उसकी तो है ही है, वो variable की तो relation है ही है. इसकी relation किसके साथ होगी? All those factors which result in production, isn't it? So उसको हम input भी कहते हैं या factors of production कह लो, कुछ भी कह लो. Production function is the technical relationship between factors of production and production, या input and output, कुछ भी कह लो. Now, here I am stressing about the technical relationship. मतलब जब relationship का मतलब हम ये देखते हैं कितने units of input से कितने unit of output maximum produce हो सकता है. ठीक है, so when we see this relationship, we are seeing it in terms of units. के इतने units input लगाया, इतने units output आया. We are not seeing it in terms of say rupees. के इतने रुपए की, इतने रुपए input में use हुए और as a result इतने रुपए का output आया. That relationship is economic. We are studying about technical or mathematical relationship. ठीक है, so it is expressed as qx is equal to anyone, how to read it out? Isko aise padhenge, qx is equal to f lk, kaise padhenge isko? Ha, qx is equal to padhenge is a फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. जब भी हम ये एक्सप्रेशन होता है इकोनॉमिक्स में, अगेन इफ यू रिमेम्बर हम क्या करते थे, क्यू डी इज ए फंक्शन ऑफ पी, पी वाई, वाई एंड सो ऑन. इसको कैसे पढ़ते हैं, इज ए फंक्शन ऑफ, और इसका मतलब क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन. ठीक है, अब देखो क्यू एक्स क्या है. क्यू मीन्स आउटपुट, एक्स मीन्स कमोडिटी एक्स. आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. एक्स के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, मैक्सिमम हम एक्स के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतने यूनिट्स लेबर और कैपिटल के लगाकर. ठीक है, यानी जो आउटपुट है एक्स की वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेबर और कैपिटल के ऊपर. क्लियर है, दीज आर, दिस इज आउटपुट. क्यू एक्स इज व्हाट, आउटपुट ऑफ एक्स
मैक्सिमम क्वांटिटी हम एक्स की कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं लेबर और कैपिटल के इतने यूनिट्स लगा के। लेट अस से हमारे पास 10 लेबर है, एक मशीनरी है, ठीक है, और हम इसको इंप्लॉय करके 100 यूनिट्स कोई भी कमोडिटी के चॉक्स कह लो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो मैक्सिमम 100 यूनिट्स ऑफ चॉक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इंप्लॉइंग 10 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 1 यूनिट ऑफ मशीनरी कैपिटल, ठीक है। ऑल राइट, यहां तक क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट इनपुट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यू शुड नो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप। वन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अनदर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी हमारे बेटे देखो, हम हर चीज को कैटेगराइज करने के अलग अलग हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं। मैं हमेशा आपको ये एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 53 स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूं तो उनको ऐसे क्लासिफाई कर लूं, इतने बॉयज इतने गर्ल्स, टोटल विल कम आउट टू बी 53। मैं चाहूं तो ऐसे क्लासिफाई कर लूं, ये मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले, ये फिजिकल, ये कंप्यूटर, ठीक है। मैं चाहूं तो ऐसे क्लासिफाई कर लूं, ये एवरेज स्टूडेंट्स, ये वीक स्टूडेंट्स, ये अबव एवरेज, टोटल विल कम आउट टू बी सेम। सो क्राइटेरिया हम डिफरेंट रखते हैं। तो यहां पर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्लासिफाई किया, ये लेबर है, ये कैपिटल है। अब मैं दूसरा क्राइटेरिया ले रही हूं, सम ऑफ द फैक्टर्स आर फिक्स्ड, सम ऑफ द फैक्टर्स आर वेरिएबल। पहली बात क्या है ध्यान में रखनी है, ये जो क्लासिफिकेशन है फैक्टर्स में, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रहती है, लॉन्ग पीरियड में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ फिक्स्ड फैक्टर, व्हाट इज अ वेरिएबल फैक्टर। एनीवन एनी आइडिया फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हिच रिमेन फिक्स्ड, व्हिच रिमेन फिक्स्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, व्हिच डू नॉट चेंज इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज नहीं हो सकते, उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गिव एग्जांपल, मशीनरी, लैंड, परमानेंट स्टाफ, जो मैनेजमेंट है, हाई लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, सॉरी, मैनेजर, सीईओ, सेक्रेटरी या परमानेंट स्टाफ, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। क्या होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स, व्हिच डू नॉट चेंज इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी विद दीज आर दोज फैक्टर्स व्हिच डू नॉट चेंज विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। सिर्फ इतना कहना विद दीज रिमेन फिक्स्ड और these do not change, this is incomplete. These do not change with change in the level of output. For example, आप 100 units produce कर रहे हैं, एक land है आपके पास, एक एकड़ का land है, आप इसके ऊपर 100 units produce कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इस पे दिन रात shift लगा के 200 units produce कर लो, 300 यूनिट प्रोड्यूस कर लो, ठीक है, आउटपुट बढ़ रही है। आप चाहो तो जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करो, लॉकडाउन हो गया तो इसी लैंड के ऊपर कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, जीरो, है ना। शॉर्ट पीरियड में आप इसको चेंज नहीं कर रहे, तो ये क्या रहा, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गॉट इट। मैनेजर या परमानेंट स्टाफ, आपने उतने का उतना ही रखा है, चाहे आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, चाहे 200 रखो, चाहे 500 करो, योर परमानेंट स्टाफ इज सेम, योर मशीनरी इज सेम। सो ये क्या रहेगा, इसको क्या कहेंगे, ये चेंज नहीं हो रहा आउटपुट के चेंज होने से, तो इसको क्या कहेंगे, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी बात,
फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो कॉस्ट इनकर करते हैं उसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. आई बात समझ में? व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सिंपल सी बात है नहीं? फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. फिक्स्ड कॉस्ट की भी खासियत क्या है? फिक्स्ड है ना, नाम ही क्या दिया, फिक्स्ड. अब देखो, मैंने ये लैंड रेंट पे लिया, ठीक है, रेंट है इसका 1,00,000 रुपए महीना. मैंने इसके ऊपर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मेरा रेंट कितना? 1,00,000. अगले महीने मुझे लगा मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, मैंने वर्कर को ऑर्डर दे दिया 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, मैं रेंट कितना दूंगी? 1,00,000. थर्ड मंथ मेरे प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ गई, मैंने वर्कर को ऑर्डर दिया 300 यूनिट्स, माय रेंट वुड बी. अगले महीने लॉकडाउन लग गया, प्रोडक्शन इज, सारे लेबर बाहर चले गए अपने गांव, प्रोडक्शन इज, माय रेंट इज 1,00,000. फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. It remains same irrespective of change in the level of output. Got it? What is a fixed factor of production? Which do not change with change in the level of output. For example, land, machinery, permanent staff. ठीक है? दूसरा कौन सा factor होता है? Variable. ये भी नाम से, which vary? वेरिएबल फैक्टर इज द वन विच वेरीज विच चेंजेस विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. बेटे कभी समझ नहीं आया, टर्मिनोलॉजी वर्ड मीनिंग से समझ आ जाता है, वो उसका नाम से पता चल जाता है. फिक्स्ड फैक्टर विच रिमेन्स डज नॉट चेंज विद चेंज इन द लेवल ऑफ, तो वॉट इज वेरिएबल? विच चेंजेस विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. ये मेरा लैंड है, फिक्स फैक्टर है, इसके ऊपर 10 वर्कर काम कर रहे हैं और मेरी प्रोडक्शन कितनी हो रही है? 100 यूनिट्स. मैंने नया नया काम स्टार्ट किया, मेरे को पता चला लोग तो बहुत पसंद कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को, डिमांड बढ़ गई, ठीक है. अब मैंने कहा हम 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, क्या ये 10 वर्कर अब 200 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं? इसके लिए मुझे रॉ मटेरियल और लाना पड़ेगा और मुझे लेबर भी और इम्प्लॉय करनी पड़ेगी, या नहीं? मैं 20 वर्कर्स लगा देती हूँ और मैं रॉ मटेरियल और ला देती हूँ तो प्रोडक्शन कितनी हो गई? 200 यूनिट्स. यानी मुझे आउटपुट को बढ़ाने के लिए लेबर को बढ़ाना पड़ा, रॉ मटेरियल को बढ़ाना पड़ा, तो ये लेबर रॉ मटेरियल ये क्या हुए? वेरिएबल फैक्टर्स. व्हाट इज अ वेरिएबल फैक्टर? विच चेंजेस विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. फॉर एग्जांपल, लेबर, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऑल दीज आर वेरिएबल फैक्टर्स. द कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन द variable factor of production is variable cost. It changes as the level of output changes. मैंने 10 worker लगाए, मुझे इनके ऊपर खर्चा आया 10,000 रुपए, मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या हुई? 10,000. या लेबर कॉस्ट कितनी हुई? 10,000. नेक्स्ट मंथ मैंने 20 workers काम पे लगा दिए, अब मेरी लेबर कॉस्ट कितनी हुई? 20,000. थर्ड मंथ मैंने कहा 300 यूनिट्स चाहिए, तो मैंने 10 वर्कर और इम्प्लॉय कर दिए, तो इस साल मेरा बिल कितना बना इस महीने? 30. अगले महीने लॉकडाउन हो गया, वर्कर्स
गांव में चले गए, प्रोडक्शन जीरो हुई, तो लेबर कॉस्ट भी कितनी हो गई, जीरो. सो विच मीन्स दिस कॉस्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट, डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन आउटपुट. व्हेन लेवल ऑफ आउटपुट इज जीरो, इट इज व्हेन लेवल ऑफ आउटपुट इज जीरो, वेरिएबल कॉस्ट इज एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट. मैंने 1,00,000 रेंट दिया था ना लॉकडाउन में भी, तो फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट बिकम जीरो इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट. याद रहेंगी ये बातें, क्लियर? सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल. ऑल राइट, नाउ दिस डिस्टिंक्शन इज देयर ओनली इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. सपोजिंग आपके प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ गई, यहां पे आपके पास एक मशीनरी थी तो 10 वर्कर काम करते थे, 9 से 5 इनकी शिफ्ट थी, ठीक है, घर चले जाते थे, ये 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होते थे. अगले महीने आपने कहा 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो आपने कहा ठीक है 9 से 5 की एक शिफ्ट है, ठीक है 6 से सुबह या 6 से रात के 1 बजे तक दूसरी शिफ्ट लगा लेते, दूसरे वर्कर आ गए, ठीक है. उसके बाद मतलब उसी मशीनरी के ऊपर अब आपने अपनी आउटपुट बढ़ा ली, आउटपुट और बढ़ गई 300, आपने कहा चलो तीसरी शिफ्ट लगा लेते हैं, 2 बजे से सुबह 8 बजे तक आपने तीसरी शिफ्ट लगा ली, ठीक है. अब 400 यूनिट्स की प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो ना तो आपके पास टाइम है, ना ही आप अपनी मशीनरी को ओवरवर्क कर सकते हो, है ना. तो क्या करोगे अब आउटपुट और बढ़ाने के लिए, न्यू मशीनरी, न्यू लैंड, यानी वो भी बढ़ ही सकते हैं. ऐसा तो नहीं है कि मशीनरी और लैंड फिक्स्ड है तो ठप्पा लग गया और बढ़ ही नहीं सकते, बढ़ सकते हैं लेकिन किसमें, लॉन्ग रन. तो लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. अनन्या बेटे पे अटेंशन, आई विल हैंडल हर. ठीक है, सो दिस डिस्टिंक्शन इज ओनली इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इन द लॉन्ग रन यानी अगर आपके पास टाइम पीरियड अच्छा है तो आप हर फैक्टर को बढ़ा या कम सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन. क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, आगे चलें. ऑल राइट, सो बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, सो प्रोडक्शन फंक्शन कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज इनटू टू. देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट प्रेजेंट एंड पॉसिबल इज क्लासिफाइड एज शॉर्ट रन प्रोडक्शन. ठीक है, जब हमारा आउटपुट इट इज द रिजल्ट ऑफ इनपुट आउट ऑफ विच वन इनपुट इज वेरिएबल अदर्स आर फिक्स्ड, इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. देखो इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, ध्यान से देखो. क्यू एक्स इज ए फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल. मैंने कैपिटल के ऊपर क्या लगाया, बार. बार मीन्स कॉन्स्टेंट, फिक्स्ड. Here capital is constant, labor is variable. Got it? So, लिख लो इसको कैसे express करना है. Qx
is a function of labor and capital. उसके ऊपर बार लगा दिया, बार implies कैपिटल कांस्टेंट है यानी फिक्स्ड है, यानी ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास एक या कोई भी कैपिटल का यूनिट है दैट विल रिमेन फिक्स्ड, और इसको वेरी करके हम आउटपुट में क्या चेंज ला सकते हैं, क्लियर। इसको हम रिटर्न्स टू फैक्टर का नाम भी देते हैं, रिटर्न्स टू ए फैक्टर। नाम देखो कैसे पढ़ा, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, या हमने याद कैसे करना है। रिटर्न्स मींस बेटे आउटपुट, रिटर्न्स मींस आउटपुट। इन दिस केस दिस आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ विच फैक्टर, लेबर, बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट। आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन लेबर, तो इसीलिए रिटर्न्स टू ए फैक्टर, यानी आउटपुट ड्यू टू वन फैक्टर। टू की जगह ड्यू टू कह लो ना, रिटर्न्स टू ए फैक्टर यानी रिटर्न्स ड्यू टू वन फैक्टर, दैट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, क्लियर। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पे आते हैं, हियर आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दी वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्यू एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एल एंड के, वेयर एल एंड के बोथ आर वेरिएबल। राइट, सो बेटे जब हम लॉन्ग रन में आउटपुट बढ़ाते हैं, हमने क्या बढ़ाया, लेबर भी बढ़ाई और क्या। अच्छा पहले ये शॉर्ट रन का अगर हम देखें, यहाँ पे एक मशीनरी है, 10 वर्कर हैं, मशीनरी क्या है, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहां पर रेशो क्या रही फिक्स्ड और वेरिएबल की, 1:10, ठीक है। यहां पर रेशो क्या रही, 1:20, यहां पर रेशो क्या रही, 1:2। ये कौन सा केस है, शॉर्ट रन का या लॉन्ग रन का। शॉर्ट रन में इनपुट की रेशो में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। रेशो पहले क्या थी, फिर इज इट वेरिंग और कॉन्स्टेंट, वेरिंग, इट इज वेरिंग। सो आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, सो इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सब याद हो जाएगा बेटे, लेकिन घर में एक बारी जाके जरूर पढ़ना है, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस क्यों नाम दिया, हेयर द प्रपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर इज वेरिंग। ऑल राइट, कमिंग टू लॉन्ग रन, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मशीनरी बढ़ानी पड़ेगी। दो मशीनरी लगाई, 40 वर्कर, ठीक है। अगर आपको लेट अस से 60 वर्कर लगाने हैं तो आपको 3 मशीनरी लगानी पड़ेगी। आपको 90 वर्कर्स लगाने हैं तो आपको जो भी है 6 लेट अस से मशीनरी लगानी पड़ेगी। या इसको हम ऐसे करते हैं, हमें कांस्टेंट ही रखना है, इनिशियल केस ही लेते हैं। आपके पास एक मशीनरी है, 10 वर्कर, आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपकी आउटपुट इस तरह से है कि आपको मशीनरी भी बढ़ानी पड़ेगी, तो आपने 2 मशीनरी 20 वर्कर लगा दिए। और आउटपुट बढ़ानी है तो 3 मशीनरी 30 वर्कर लगा दिए। यहां पे रेशो क्या रही,
constant. So it is known as law of constant proportions.